हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ईच एंड एवरी सम्स को डिटेल में पढ़ा है, डिटेल में सीखा है, डिटेल में एनालिसिस किया है। एक जो ऑफलाइन कंटेंट में मैं जिस तरह पढ़ाता हूँ, वो सब कुछ यहाँ पर मैं ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे इस वक्त, तो प्लीज़ वीडियो को सीक्वेंस में देखना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है, जाके देखो, फटाफट देख लो, मजा आएगा। अगर यहाँ पर डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखने आए हो, इसका मतलब तुम्हारे पास आइडिया ज़रूर होना चाहिए, छोटा मोटा तो आइडिया हो गई, इसलिए तुम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुँच चुके हो। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। राइट द व्हाट सिम्बोलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट, मतलब यहाँ पर सिम्बॉल में कन्वर्ट करना। अरे भाई, किया ही क्या अभी तक। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन सर्किट दिया था, सिम्बॉल में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 में सिम्बॉल दिया है, सर्किट में कन्वर्ट किया। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ने क्या किया, अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट को प्रोड्यूस किया। एवरीवन क्लियर है? 30 रुपया, 10 रुपया बचाया, 20 रुपया बचाया, चाहे सुट्टा, ग्रेट, बहुत सही। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल। चलो यहाँ देखो, जो ग्रीन मार्किंग किया ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो इस एक्सरसाइज का 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वही है, सेम टू सेम, समझ पा रहे हो ये चीज। अब यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड एक्स्ट्रा है, एक वर्ड एक्स्ट्रा है जिसको बोलते हैं इंटरप्रेट, इंटरप्रेटेड, ये सिर्फ एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा। रेस्ट ऑल आर वन, रेस्ट ऑल आर सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, ये याद रखना, सेम है, बाकी सबका सब क्या है, सेम है, सेम टू सेम है। चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे, बताओ सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर बताया था तुम लोगों को कि देख बच्चा, यहाँ पर ये सेल और लैंप नहीं लगाएंगे इन लोग, ठीक है, आ गया है। देखो, मेन जो करंट है ना, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ऊपर, 2 तीसरा, मतलब इसका मतलब ये देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक पार्ट आ गया, इसके पैरेलल में ये आएगा, इसके पैरेलल में ये आएगा, तीन के बीच में, तीनों के बीच में क्या लगने वाला, और लगने वाला, बरोबर, इसके 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 बीच में क्या लगेगा, और लगेगा। लेकिन ये तीसरे वाले में देखो, दो जन सीरीज में है, तो ठीक है, हम लोग लिखते कैसे स्टार्टिंग से, मैंने तुम लोग को बताया था, याद करो बच्चा, लिखते कैसे हम लोग सॉल्यूशन में। यहाँ पर देखो, इसको पी नाम देने वाले, इसको क्या नाम देंगे, क्यू, नेगेशन क्यू, एच क्यू को हम लोग क्यू बोलते हैं, और एच टू डैश को नेगेशन क्यू। अच्छा, ये एस वन डैश को क्या बोलोगे, नेगेशन पी, और एच टू को क्या बोलोगे, क्यों बोलोगे। तो इसको ना लिखो, ये ब्लू वाला जो मैंने लिखा है ना, इसको सर्किट डायग्राम में मत लिखो, ये जब सीईटी जेडब्ल्यूई मेंस में होता है ना, तब लिखना है, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट पी द स्विच एस वन इज क्लोज। बच्चा, ये पहला समय इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये सब नहीं लिखता, तुम लोग को भी मालूम होगा, क्योंकि अपन वेल मैच्योर्ड है, सर क्या बोले ऑफलाइन लेक्चर में वो सब क्लियर होना चाहिए। अच्छा, नेगेशन पी की जरूरत है क्या, नेगेशन पी, द स्विच S1 डैश इज क्लोज, हर एक का रीजन तुम्हारे पास है, सबको क्लोज क्यों लिख रहे हो ये भी क्लियर होना चाहिए, क्यों है क्या, हाँ क्यों। तो यहाँ पर द स्विच S2 इज क्लोज, और यहाँ पर नेगेशन क्यों, S2 डैश इज क्लोज, बराबर है नहीं यहाँ तक। चलो ये तो हो गया। अच्छा, एक बार मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ, ऐसा ना हो जाए कि क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर S1, S2, S1, S2, ग्रेट। चलो यहाँ पर क्या होता है मालूम है, कभी कभी टेक्स्ट बुक उधर रहता है, हाथ में रखेगा तो मार्कर कैसे पकड़ेंगे, समझ पा रहे हो। यहाँ पर अब बात ये है, सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिम्बॉलिक फॉर्म। चलो स्टार्ट करते हैं, सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट। एग्जाम में लिखना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बोर्ड में कैसे लिखना है, ये सेम टू सेम लिखना है। पहला समय उससे आइडिया ले लेगा, दूसरा समय ये सब मगजमारी वाली चीज करेंगे नहीं। अब क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, हाँ पी दिख रहा है, यस, पैरेलल है दूसरे वाले से, पैरेलल है, दूसरे वाले का नाम क्या है, नेगेशन क्यू, ओके, पैरेलल है किससे, ये देखो, ये दोनों से, ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में, तो नेगेशन पी एंड, और यहाँ पर क्या आएगा, क्यू। बोलो ये क्लियर हो गया सबको, यस और नो एवरीवन, प्लीज बोलना सीखो, ग्रेट यार, बहुत सही। अब यहाँ पर अपने को ये मिल गया, राइट द सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट, सिम्बॉल फॉर्म में लिख लिया, किसी को तकलीफ ना। अब इसके बाद देख, दोनों और हो रहे हैं तो तुम लोग को मालूम होगा। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर इनपुट आउटपुट क्या लिखा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट इज स्विचिंग टेबल, स्विचिंग टेबल मतलब वही इनपुट आउटपुट ना, इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल इज गिवन बाय
गिवन बाय। बच्चा ध्यान से सुनना मेरी बातों को, सिर्फ ध्यान से सुनना, क्या क्या दिख रहा है इसका समझो, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, आर नहीं है तो यहाँ पर पी आएगा, यहाँ पर क्यू आएगा। चलो आगे, पी आएगा क्यू आएगा, और कुछ चाहिए क्या? नेगेशन पी की जरूरत है, हाँ है, तो नेगेशन पी का भी जुगाड़ कर ही देना। और कुछ नेगेशन क्यू की भी जुगाड़ कर दो, ठीक है ओके। और क्या करना है अब तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर भी सिखाया था। और है ना, ये दोनों को और करो, या फिर ये दोनों को और करो, या इसको और करो, या साथ में और करो। और का डायलॉग क्या होता है, और का डायलॉग क्या होता है जरा सोचो। ग्रेट, एक बी टी तो टी, अब यहां पर क्या बोलेंगे, एक बी वन तो वन। तो देखो कुछ टीचर लोग बोलेंगे ये दोनों को साथ में कर, फिर इसको साथ में लेके चल, समझ पा रहे ये चीज? तुम्हारी मर्जी, इट्स ऑन यू, इट्स ऑन टोटली तुम्हारी मर्जी है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, तुम लोग क्या करना चाहते हो ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका जुगाड़ कर लो, नेगेशन पी एंड क्यू, ठीक है। इसको मैंने देखो ग्रीन से कर दिया। अब चलो तीनों को एक साथ और करेंगे, और का मतलब समझ जाने का, एक बी वन तो वन, एक बी वन तो वन। चलो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, चलो 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 मितुआ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ पर। बहुत ही आसान है, बहुत मतलब बहुत, अगर सब लेक्चर देखा तो ये तुम्हारे लिए चिंदी है। मैं तो बच्चे लोग को बोलता हूँ खुद ही करो, उन लोग खुद कर लेते भाई, समझ पा रहे हो? यहाँ पर चलो वन जीरो वन जीरो, यहाँ पर वन वन जीरो जीरो, बरोबर है। नेगेशन पी, यहाँ पर वन जीरो क्यों लिख रहे, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट टेबल है, बरोबर है। ये चीज़ टेबल में वन जीरो का मतलब, वन मतलब करंट पास हो रहा है, जीरो मतलब करंट पास नहीं हो रहा है, या फिर वन मतलब लैम्प ग्लो है और जीरो मतलब लैम्प ग्लो नहीं है। चलो इसका बोलो नेगेशन, जीरो जीरो वन वन, इसका बोलो जीरो वन जीरो वन, बरोबर है। अब मुझे एंड करना है, किसके साथ एंड करना है ये देखो, एंड देखो यहाँ पर ग्रीन वाला है ना, देखो बच्चा, नेगेशन पी, नेगेशन पी एंड क्यू। अच्छा एंड का रियल मीनिंग क्या होता है, एंड का वहाँ पर क्या बोलते थे, एक बी एफ तो एफ, अब यहाँ पर क्या बोलोगे, एक बी जीरो तो जीरो। चलो एक बी जीरो है क्या, हाँ जीरो, एक बी जीरो है क्या, हाँ जीरो, एक बी जीरो है क्या, नहीं, एक बी जीरो नहीं है तो वन का वन, एक बी जीरो है क्या, देख दोनों में से एक के पास जीरो है तो यहाँ पर जीरो, बोले क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो गाइस सब लोग का ध्यान यहाँ पर, अब मैं जो बोलने वाला ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तीनों के बीच में क्या है, और का डायलॉग होता क्या है पहले ये बोलो, एक बी टी तो टी, बरोबर है ना। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक बी वन तो वन, एक बी वन तो वन, किसको किसको पिक्चर में लेना है, इसको ले लो नेगेशन पी, एक बी वन तो वन, एक बी वन तो वन, चलो एक बी वन तो वन, एवरी वन स्टार्ट करो। एक बी वन है क्या, देखो एक तीनों में एक दो तीन, एक बी वन है हाँ तो ये आएगा वन। अगेन एक भी वन है क्या, देखो इधर भी वन है, इधर भी वन है, इधर मेरे को बहुत सारे वन से लेना देना नहीं, मुझे एक भी वन मिल गया तो आंसर मेरा क्या आएगा, वन। ग्रेट, आगे बोलो यहाँ पर, ये देखो इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर आ गया तो एक तो वन मिल गया ना, देखो यहाँ पर वन आ गया तो ये क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर देखो, इधर नहीं है, इधर देखो, इधर मिल गया वन, तो इसका आंसर आ गया क्या, वन। एम आई क्लियर बच्चा, एम आई क्लियर? इसको इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल बोलो या इनपुट आउटपुट टेबल बोलो, तुम्हारी मर्जी। तो अपना ये तो क्वेश्चन नंबर वन हो गया, क्वेश्चन नंबर वन, कुछ नया नहीं सीखा, ये क्वेश्चन नंबर वन को ही रिपीट कर दिया सर आपने, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता मालूम है, अपना इंजीनियर वाला दिमाग खोल दो, मतलब खोल दो मतलब निकाल के रखना है सर, नहीं निकाल के रखना नहीं है बच्चा, लास्ट वाले में देखो क्या तू सोच पा रहा है। देखो जजमेंट कैसे लेने का ये बता रहा हूँ, पी क्यू क्या है तेरा स्विच है, पी क्यू क्या है तेरा स्विच, नेगेशन पी मत बोलो, मेन स्विच क्या है, पी और क्यू। अब मुझे बताओ ये वन 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 आ रहा है, मतलब तुम्हारा स्विच कुछ भी रहे दोनों ऑन रहे, एक ऑन एक जीरो रहे, जीरो वन रहे, जीरो जीरो रहे, दोनों स्विच को बंद भी कर दिया तभी भी लैम्प ग्लो हो रहा है। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन, मतलब मेरा इंजीनियर वाला दिमाग ये बोल रहा है कि सर जी जो आपका लास्ट वाला कॉलम है ना हमेशा वन है, इसका मतलब स्विच बंद रहे चालू रहे मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा लैम्प हमेशा ग्लो करता रहेगा। यही है कि लास्ट वाला टेबल स्विच पे डिपेंड कर रहा है या नहीं डिपेंड कर रहा है, अगर कर रहा है तो कौन से स्विच पे डिपेंड कर रहा है, समझ पा रहे हो? इसी को इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो यहां पर क्या मालूम पड़ा, देखो वन 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 द लास्ट कॉलम, यहां पर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेट भी करना है ना, यही नया है अपने लिए इंटरप्रिटेशन, हर एक का अपना अपना लैंग्वेज, जैसा जमता है सस्ता लैंग्वेज वैसा लिखो। इन द लास्ट कॉलम, इन द लास्ट कॉलम, इन द लास्ट कॉलम ऑल वैल्यूज आर व्हाट, ऑल वैल्यूज इज वन या आर वन, देयरफॉर द लैम्प विल ऑलवेज ग्लो।
हमेशा ग्लोएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंटरनल स्विच। ये स्विच से लेना देना नहीं है भाई, स्विच तू बंद रख चालू रख, मेरा लैंप हमेशा क्या हो रहा है ग्लो रहा है, ये देखने का नहीं। तुम लोगों किससे देखने का, लास्ट वाला कॉलम हमेशा किससे लिंक करने का, पी क्यू आर से, पी क्यू को देखने का। अरे यार दोनों वन है तो भी वन है, अरे यार वन जीरो है तो भी वन है, अरे जीरो वन है वन है, जीरो जीरो है तभी भी वन है, मतलब भाड़ में जा स्विच। यहाँ पर था इसका मतलब लैंप विल ऑलवेज ग्लो मतलब चालू रहेगा, इरिस्पेक्टिव मतलब भाड़ में जहाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ स्विचेस मतलब जैसे अपन व्हाट्सएप पे रखते हैं ना स्टेटस फीलिंग वाला, वो वाला स्टेटस नहीं भाई भगत सिंह, या पर स्टेटस मतलब क्या होता है उसका ऑन है या ऑफ है उसको स्टेटस बोलते हैं। तो लैंप विल ऑलवेज ग्लो इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस, बोला एम आई क्लियर? तो प्लीज ये हो गया, अब दूसरा वाला ट्राई करने का। अब मैं पूरा बताऊंगा नहीं, डायरेक्टली टेबल बताऊंगा और यहाँ पर बताऊंगा लास्ट में क्या आने वाला है। तो तुम लोगों को एक ऑफलाइन में जैसा मैं बताता हूँ, एक बता दिया ना क्वेश्चन नंबर वन आता है, बस सिर्फ इंटरप्रिटेशन तो ना है, क्लियर हो गया? प्लीज कॉपी करो उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू ट्राई करेंगे। सो एवरीवन यहाँ पर एक बार ये भी देख लो कि हमने बोला था ना ये भी और है ये भी और है, जब ये दोनों को डब्बा लगाए तो तुम्हारी मर्जी, एसोसिएटिव लॉ याद आ रहा है कि किसको भी डब्बा लगा सकते हैं। तो तुम लोग का टेबल ऐसा भी बन सकता था, पी क्यू नेगेशन पी नेगेशन क्यू बराबर है, फिर इसको पैदा कर लो पी और नेगेशन क्यू, फिर इसको पैदा कर लो नेगेशन पी एंड क्यू, समझ पा रहे हो? फिर ये दोनों के बीच में क्या कर दो और कर दो। अरे कोई मैटर नहीं करता, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि तुम लोग इतना ऑफलाइन का लेक्चर बैठा है, मतलब मेरा ऑफलाइन का लेक्चर बैठे हो, ये तुम लोग के लिए मायने नहीं रखता। तुम लोग डाइजेस्ट वगैरह में देखोगे तो ऐसा है, मैं बोला यार मतलब ही नहीं रहेगा ना, बच्चे लोग को इतना सिखा किया, उन लोग आज भी ये बोल रहे कि सर हमारे स्कूल के टीचर ने ऐसा सिखाया, हमारे कॉलेज के, उन्होंने सही सिखाया, तेरे को जो हजम हो रहा है ना वो हजम कर ले, बस ये चीज़ याद रखना, समझ गया? ये चीज़ कॉलेज के टीचर तो ये भी लिख सकते हो तुम लोग, ऐसा कोई मैटर करता नहीं है। चलो हटा देते इसको। अब यहाँ पर सेकेंड वाला क्वेश्चन तुम लोग एक बार ट्राई करो, जब तक मैं रब करता वीडियो पॉज कर लो। चलो ग्रेट, ट्राई किया बच्चा ट्राई किया सबने? चलो वीडियो पॉज कर दो और लास्ट और टेबल बनाने की कोशिश करो। अब तो आता है अपने को, चलो मैं निबंध नहीं लिखूंगा। S1 मतलब क्या है? S1 मतलब ये मेरा P है, S1 मेरा P है और ये नेगेशन P है, और ये क्या है? S2 ये Q था लेकिन नेगेशन Q हो जाएगा, और ये S1 ये P आएगा, अच्छा ये S2 ये Q आएगा। तो यहाँ पर तीन, एक दो तीन, तीन जन क्या है पैरेलल है, तीन जन क्या है पैरेलल, सेम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो तुम लोग। पहले तो देखो P लिखो, हाँ P और सिंबॉलिक फॉर्म बना रहा हूँ, फिर ये दोनों क्या है सीरीज है मतलब ये दोनों को एक डब्बे में बंद कर दो, क्या नाम है इसका, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, फिर से ये पैरेलल है इससे, किससे, यहाँ पर देखो पी एंड क्यू। एम आई क्लियर बच्चा, किसी को दिक्कत है क्या? ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया ना, पी क्यू आर तो है नहीं इसमें, फिर से इनपुट आउटपुट टेबल। अब तो तुम लोग समझ करेंगे, सर से मेहनत नहीं कराएंगे हम लोग, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करते हैं। चलो वीडियो पॉज कर लो। डन एवरीवन? चलो ग्रेट, यहाँ पर क्या किया रहेगा, पी किया रहेगा फिर क्यू किया रहेगा, यहाँ पर देखो नेगेशन पी की ज़रूरत है क्या? हाँ ज़रूरत है नेगेशन पी, अच्छा आगे नेगेशन क्यू, अच्छा ये पूरा बराबर लिखने का बच्चा, नहीं इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल, तेरे को तीन में से तीन, चार में से चार चाहिए ना पूरा प्रॉपरली लिखने का, ठीक है? यहाँ पर इसका तो जुगाड़ हो गया, ये दोनों का नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, बराबर है ये चीज़, ओके। और क्या चाहिए मुझे, ये वाला P एंड Q चाहिए, और उसके बाद क्या करेंगे देखो, आप तुम्हारी मर्जी, एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से कोई भी दो जन को पहले सॉल्व कर लो, ये दोनों को पहले सॉल्व कर लो फिर उसके साथ और कर लो, या ये दोनों को पहले और कर लो फिर उसके साथ और कर लो। अपन को मालूम है ना एट द एंड और है, तो हम लोग को डायलॉग मालूम है एक भी वन तो वन, क्यों मैं एक और टेबल बनाऊँ? अपने बच्चे लोग को स्मार्ट, अपने बच्चे स्मार्ट है अभी इस वक्त, नेगेशन भी सर ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ मेरे को लगता है, जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर बैठा ना उस, मुझे लगता है प्राउडली आई कैन से यस, उसको ये सब चिंदी लग रहा है इस वक्त, समझ पा रहे हो? यहाँ पर चलो आगे बोल दो, यहाँ पर चलो बच्चा क्या आएगा फटाफट, 1 0 1 0 1 1 0, चलो नेगेशन पी 0 0 1 1, फटाफट बताने का बोलो 0 1 0 1, ग्रेट आगे बोल दो नेगेशन पी, देखो किसको पिक्चर में लेने का, नेगेशन पी मतलब इसका एंड करना है, किसके साथ, इसके साथ, एंड मतलब क्या होता है, एक भी एफ तो एफ, अब यहाँ पर बोलो एक भी जीरो तो जीरो है क्या, नहीं तो ये वन ही आएगा। अब यहाँ पर इसको हटा दो,
पी एंड क्यू, पी एंड क्यू मतलब ये दोनों को पिक्चर में लेना, एंड का मतलब तो तुम लोगों को पता ही है ना बच्चा क्या होता है एंड का मतलब, हाँ एक भी जीरो तो जीरो, एक भी जीरो तो जीरो, ये दोनों को एक भी जीरो है क्या, नहीं एक भी जीरो है क्या, हाँ है ना एक भी जीरो है क्या, हाँ अरे चलो मेरे से ज़्यादा स्पीड तुम लोग का होना चाहिए इस वक्त, ठीक है। अच्छा अब आ गया, देखो अब आ गया और वाला, एक साथ तीन जन को मैं पिक्चर में ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से हर एक बच्चा जानता है क्या करेंगे। और का डायलॉग क्या था, एक भी वन तो वन, एक भी वन तो वन, चलो किसको किसको पिक्चर में लेना ये देखते हैं, किसको किसको पिक्चर में लेना ये देखते हैं। रेडी बच्चा, पी हटा इसको, ये देख ये वाला पार्ट और क्या है, ये वाला पार्ट और क्या है, ये वाला पार्ट, डायलॉग क्या और का, एक भी वन तो वन, एक भी वन, देखना वन और जीरो और जीरो, अगर मैंने तुम लोग से पूछा देखो और है ना, तो डायलॉग क्या है, एक भी वन तो वन, समझ पा रहे हो, दुनिया भर का नहीं देखना, मेरे को एक भी वन मिल गया तो हम प्यासे हैं सिर्फ एक वन के, बस वही मिल गया तो, देखो इसमें इसमें देखो एक वन मिल गया, इसमें इसमें वन है इस, अरे भाड़ में जाना हटा, इसमें वन नहीं है, इसमें वन नहीं है, इसमें वन नहीं है, मतलब ये जीरो आ गया, इसमें नहीं है, इसमें देख मिल गया वन। तो अब बस लास्ट पार्ट बाकी अपना इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब बताओ क्या होएगा, सर आप बोलते हो इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता मालूम है, आपको मैं एक बार बता देता हूँ या बता देती हूँ, लास्ट वाला कॉलम देखने का, हाँ इन द लास्ट कॉलम क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो, सब जगह वन है लेकिन एक जगह जीरो है, जो कम चीज़ें ना उसके बारे में डिस्कस करो ना, मैं बोलूँगा ये वन है ये वन है ये जीरो है, तो मतलब एक बार तो लैंप बंद रहेगा, वो कब बंद रहेगा बोलो, इन द लास्ट कॉलम, इन लास्ट कॉलम, इन लास्ट कॉलम, ए इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में लिखो, इन लास्ट कॉलम द वैल्यू इज व्हाट, द वैल्यू इज जीरो, द वैल्यू इज जीरो व्हेन, व्हेन कब बोलो, वैल्यू इज जीरो व्हेन, बोलो बोलो बाकी सब छोड़ो, यहाँ पर मैं इसके बारे में भी डिस्कस कर सकता हूँ, डिस्कस वही करो जो कम हो, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन मतलब अपना इंजीनियर वाला दिमाग लगाओ, हर टाइम लैम्प ग्लो रहेगा लेकिन एक टाइम बंद रहेगा, तो एक टाइम वाले के बारे में बात करना, बाकियों के बारे में क्यों बात कर रहा, समझ पा रहे ये चीज़, अरे बोलो हाँ या ना, ये क्लियर हो गया। तो देखो जैसे तुम्हारे क्लास में ना, तुम्हारे क्लास में 50 लोग हैं, समझ लो 50 में से 48 लोग ना अच्छे मार्क्स लेकर आए, समझ पा रहे हो, अच्छे मार्क्स लेकर आए, और अच्छे मतलब उन्होंने 100 में से अच्छा मार्क्स जो भी तुम्हारे हिसाब से लगता हो, और दो जन थोड़े बेकार मार्क्स लेकर आए, तो अगर टीचर बोलेगी कि देख मेरे को इंटरप्रिटेशन करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, 48 का नाम लूँगा, नहीं थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, मैं बोलूँगा 50 लोग का स्ट्रेंथ है, ये दो जन ने थोड़ा घटिया परफॉर्मेंस किया है, बाकी सब ने अच्छा किया है, तो मैं 48 का नाम नहीं लिखूँगा, ये प्लीज़ IAS UPSC वाला एग्जाम मत लो सर, पॉजिटिविटी बताओ पॉजिटिव, अरे भाड़ में जा तेरा पॉजिटिविटी, इधर साले मार्क्स चाहिए मुझे, समझ गया तू, तेरा पॉजिटिविटी हटाओ, समझ गया ये चीज़। तो जो प्रैक्टिकली बात हो रहा है यहाँ पर, जो मेरे को इंटरप्रेट करना है, मैं इसके बारे में, अरे समझ पा रहे हो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये तीन के बारे में, तो क्यों ना ये तीन के बारे में ना सिर्फ मैं इसके बारे में लिखता हूँ, द वैल्यू इज़ जीरो व्हेन पी इज़ व्हाट, पी इज़ इक्वल टू व्हाट जीरो एंड क्यू इज़ इक्वल टू व्हाट वन, बराबर है ये चीज़, द वैल्यू इज़ जीरो, तो इसका मतलब यहाँ पर therefore मैं क्या लिखूंगा, द लैम्प विल नॉट ग्लो, द लैम्प विल नॉट ग्लो, नॉट ग्लो इफ इफ एस वन स्विच, अरे बोलो एस वन इज वॉट, एस वन इज वॉट क्या लिखेंगे, ऑफ एंड इसको क्या बोलते हैं, एस टू इज वॉट ऑन, अदरवाइज इट विल, अरे बोलो ये समझा मैंने क्या लिखा, यही वाला देख के लिखा, जीरो वन के बारे में, अब मैं ऑन ऑफ लिख रहा हूँ, द वैल्यू इज जीरो व्हेन पी इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू वन, तो अब मैं लिखूंगा द लैम्प विल नॉट ग्लो इफ S1 is off and S2 is not on, negation भी negation क्यों के बारे में बताना नहीं है, and rest and in rest cases the lamp will not glow if S1 is off and S2 is, otherwise it is, otherwise देखो लिख भी रहा हूँ, otherwise it is always glow, otherwise it is always ग्लो, अरे समझा बच्चा, हमेशा चालू रहेगा लेकिन कब बंद रहेगा वो बताओ, जब S1 ऑफ रहेगा और S2 ऑन रहेगा, ये क्लियर हो गया बच्चा, चलो ग्रेट। अब तीसरा वाला करते इसके बाद, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तीसरा वाला ट्राई करोगे, चलो स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता हूँ, वीडियो पॉज करो और तीसरा वाला ट्राई करना, पहले इसको कॉपी कर लो फिर वो स्क्रीन वाला भी कर लेना, ठीक है। चलो एवरीवन, यहाँ पर होपिंग कि आप लोगों ने ट्राई किया रहेगा, नहीं भी आया रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आशीष सर तुम्हारे साथ है, कैंसिल लेने की जरूरत नहीं, चल बच्चा ट्राई करते हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पर देख, सबसे पहले बैटरी लैंप लगा के डराने का नहीं, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल बनने के बाद एक बन जाने का, ये दोनों अपने आप में पैरेलल है, ये भी बन जाएगा एक, लेकिन ये देख दूसरा वाला पैरेलल के बीच में क्या है, सीरीज है, तो बच्चा देख, अरे यार ये सब एक्सप्लेनेशन बहुत बार दे चुका हूँ, इतना तो समझ करेंगे, ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों क्या पैरेलल है, और ये दोनों पैरेलल है, अब ये दोनों के बीच में देखो कोई कनेक्शन नहीं है, पैरेलल नहीं है, ये दोनों अपने आप में क्या है, एंड है, बोलो ये क्लियर हो गया। तो चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं,
क्या लिखा ये पी एस वन, एस वन मतलब क्या रहेगा ये पी, एस टू डैश क्यों, नेगेशन क्यों, ये पूरा लिखने का सिस्टमेटिक नेगेशन आर आ जाएगा ये, ओके ये क्या आएगा पी, ये क्या आएगा क्यू और ये क्या आएगा आर। चलो इसका मतलब पहले ये दोनों का बताओ, पी और नेगेशन क्यू और नेगेशन आर, ये हो गया एंड करेगा किसके साथ एंड करेगा, ये देखो पैरेलल था इधर लिख दिया, एंड मतलब सीरीज है ये इसके साथ, देखो ये वाला आएगा पी लेकिन ये अपने आप में क्या कर रहा है पैरेलल है किससे, दूसरे वाले पार्ट से, दूसरे वाले पार्ट मतलब यहाँ पर क्योंकि ये दोनों सीरीज है, क्या आएगा क्यू एंड आर, बोले ये क्लियर हो गया, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। देखो कितना आसान हो जाता बच्चा, अगर सब कुछ तू वीडियो सीक्वेंस में देख रहा तो तेरे लिए बहुत आसान हो जाएगी। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस इसो के ना इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल, स्विचिंग टेबल बोलो क्या आएगा, पी लिखा क्यू लिखा, सर आर क्यू लिख रहे हो यहाँ पर, देख बच्चा यहाँ पर है ना पी क्यू आर भी पिक्चर में है, ठीक है इसका तो जुगाड़ कर लूँगा मैं, चलो कोई तकलीफ नहीं सर, वो मैं कर दूँगा या मैं कर दूँगी सर। अच्छा नेगेशन पी की ज़रूरत है क्या, नहीं, नेगेशन क्यू की ज़रूरत है, हाँ नेगेशन क्यू की ज़रूरत है, आगे बोलो नेगेशन आर की ज़रूरत है क्या, हाँ नेगेशन आर की ज़रूरत है, आगे और कुछ, चलो ये इसका पूरे का एक साथ ले लूँ और समझते ना और क्या होता है, एक साथ ले जाओ पिक्चर में और पी और, तुम लोग एक काम कर सकते हो किसी दो का और लेकर फिर उसके साथ और लो, अपने बच्चे वेल एक्सपीरियंस पर्सन है समझ पा रहे, उन लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं यहाँ पर कि दो लेके चले, नहीं 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 वो डाइजेस्ट वगैरह करते हैं शाला डॉट कॉम करते, अपन नहीं, अपन आशीष डॉट कॉम वाले, यहाँ पर बोलो ये क्लियर हो गया। अच्छा इसके बारे में बताओ, इसके बारे में डिस्कस करना है ना, तो पहले देखो ये तो डब्बा है ना, तो क्यू एंड आर को पैदा करना पड़ेगा, क्यू एंड आर को पैदा करना पड़ेगा, बोलो ये क्लियर हो गया। एक बार ये पैदा हो गया तो इसके साथ क्या करेगा और कर दे, बहुत सही। अरे सर ये तो अभी ऐसा लग रहा हलवा ही है सब चीज़, इतना वीडियो देखने के बाद अब ये लगता है ये चिंदी हद से ज़्यादा, ओके ये पैदा हुआ क्या, हाँ ये पैदा हुआ, ये पैदा हुआ, हाँ ये पैदा हुआ, फिर ये भी पैदा हो गया, फिर दोनों के बीच में क्या करा दो एंड करा दो, एंड करा दो, चलो चलो एंड करा देते, पी और नेगेशन क्यू और आर एंड, अच्छा दिख रहा है क्या बच्चा, एंड और यहाँ पर क्या आएगा पी, पी और क्यू एंड आर, बोलो ये क्लियर हो गया सबको, दिख रहा है ना ये, हाँ दिख रहा है, चलो 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 यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो अब तो आ ही जाएगा सर, क्या सीन है ये बता देता हूँ, देख यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0 कितने बार करने का रहता, आठ बार हुआ क्या, हाँ फिर क्या आएगा 1 1 0 0 1 1 0 0 फिर कितने बार लिखने का, चार बार 1 1 1 1 फिर क्या है 0 0 0 0 एम आई क्लियर बच्चा। यहाँ तक होने के बाद अब तो तेरा काम आसान हो गया, तू ये पूरा पार्ट है ना फिल करने का, पूरा पार्ट फिल करने का, मैं सिर्फ लास्ट वाला कॉलम का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो लास्ट वाला वन, क्योंकि अंदर वाले इंटरप्रिटेशन करना है और ये जो भी बाकी का डेटा ये तो अपना हर लेक्चर में हो रहा है, ये भी वन है, ये भी वन है, जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो यू विल फेस, अरे हाँ सर ये तो सही है, नहीं आया तो अपना व्हाट्सअप नंबर है रे डिस्क्रिप्शन में, पर्सनल नंबर है, समझ पा रहे, अरे समझा कि नहीं, क्लियर हो गया ये चीज़। तो अब बच्चा तेरा दिमाग लगा के आंसर देख, क्या नोटिस कर पा रहा है, ये अंदर के माल को मत देख, अंदर के माल को मत देख, जरा खुद से नोटिस कर, खुद से नोटिस कर पी क्यू आर में क्या रिलेशन आ रहा है। चल चल वीडियो पॉज कर ले, जरा दो मिनट का मौन व्रत मत रखना, लेकिन यहाँ पर देख क्या सोच पा रहा है, जरा सोचो, नोटिस कर बस थोड़ा इंटरप्रेट करना, मैंने बोला दिमाग लगाना है बस और कुछ नहीं। हाँ इंटरप्रिटेशन हो गया क्या, द लास्ट कॉलम, इन लास्ट कॉलम क्या लिखे हुए, इन लास्ट कॉलम द वैल्यू इज व्हाट, द वैल्यू इज वन व्हेन पी इज इक्वल टू व्हाट वन, देखो ध्यान से, देखो पी का वैल्यू जब वन है ना, पी का वैल्यू वन है तो आंसर भी वन आ रहा है, देखो मतलब बाकियों से लेना देना नहीं है मुझे, मेरा बोलने का मतलब बाकी कुछ भी कॉम्बिनेशन बने मेरे को लेना देना नहीं है, लेकिन इतना चीज़ तो क्लियर हो पा रहा है लास्ट वाला वन तभी आ रहा है जब पी का वैल्यू वन आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, बोलो द लैम्प विल ग्लो, देयर वुड द लैम्प विल ग्लो इफ बोलो S1 मतलब पी इज इक्वल S1 इज व्हाट, S1 इज ऑन, बरोबर है, अदरवाइज बोलो अदरवाइज व्हाट, इट विल रिमेन ऑफ, इट विल नॉट ग्लो, चलो सस्ता लैंग्वेज, इट विल नॉट ग्लो। अच्छा ये रीड करने का मन पड़ गया, अगर S1 तेरा ऑन है तभी ये ग्लो होएगा, अदरवाइज ये ग्लो नहीं होएगा। एक काम करते सर्किट में आ जाते हैं,
देखते हैं बच्चा, देख अगर S1 ग्लो नहीं हुआ तो क्या ऑफ हो जाएगा, जरा देखते हैं प्लीज। ये हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया अपना, तकरीबन 25 मिनट के आसपास ये क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अब मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, क्या वाकई में ये सही है, जरा देखते हैं। मैंने S1 को बंद कर दिया, मैंने क्या कर दिया, S1 को बंद कर दिया, S1 को बंद कर दिया, या S1 को चालू रखना, ये इजी आपसे, S1 ऑन। देखो ना, ये भाड़ में जा, तू भाड़ में जा, तू क्या भाड़ में जा, देखो S1, देखो करंट आया, S1 ऑन किया तो करंट इधर से, भाड़ में जा तू, तू चालू रहे बंद रहे, मेरा S1 का पाथ दे रहे हैं, या तू भाड़ में जा चालू रहे ये बंद रहे, मैंने S1 को चालू रखा है। अरे बोलो हाँ, है ना, देख रहे S1 से ही करंट पास हो जाएगा। लेकिन सर अगर S1 बंद रहेगा तो, S1 बंद रहेगा तो देखो, अगर ये बंद है तो इसका मतलब देखते हैं, रेडी एवरीवन, प्लीज बोलो हाँ या ना, अरे बोलो बोलो बोलो, ग्रेट। S1 बंद, यहाँ पर देखते हैं, अगर मैंने S1 को बंद कर दिया, अब तो ये इंटरप्रिटेशन हो गया ना, मैं देखता हूँ, चलो S1 को मैंने बंद कर दिया, देखते हैं लैंप ग्लो होगा या नहीं होगा। देखो मैंने S1 को बंद करके देखा, चलो यहाँ पर सबसे पहले बोलो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, नेगेशन क्यों, अभी वाला केस देखो, क्यों क्या है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अरे अरे इतना बच्चा, तेरा क्वेश्चन का आंसर तेरे को मिल गया है, तू अभी वाइंड अप कर दे, इस वीडियो को छोड़ दे, समझिए, तू ज़्यादा सोचेगा तो दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा तेरा, समझ में रहा है, तेरा शॉर्ट मेमोरी नहीं है, तेरा वेरी 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 शॉर्ट मेमोरी है, तो प्लीज़ ये वीडियो आगे का स्किप कर दे, तेरे काम का नहीं है। लेकिन जो बच्चा समझना चाहता है यहाँ पर आ जाओ, देखो मैं ये केस ले रहा हूँ, मैं ये केस ले रहा हूँ, 0 1 1 0 1 1 मतलब पी का वैल्यू क्या है 0, क्यू का वैल्यू क्या है 1, R का वैल्यू क्या है 1, मतलब नेगेशन Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, नेगेशन R का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, बोलो ये क्लियर हो गया। चलो ये वाला केस लेता हूँ, P 0 है, बंद हो गया, ये देख नेगेशन Q है, नेगेशन Q मतलब 0, ये भी ऑफ है, नेगेशन R मतलब ये भी ऑफ है। अरे भाई जब ये तीनों ऑफ है तो आगे का क्यों देख रहा है तू, क्योंकि देखो H2 क्या होता है, H2 मतलब Q1, ये ऑन है, अरे S3 ये भी ऑन है, अरे सर करंट पास अगर, अरे भगत सिंह करंट इधर से ही पास नहीं होगा, तीनों के तीनों तूने बंद करके रखा है तो करंट इधर का रास्ता खोल के क्या मतलब, जब तीनों के तीनों बंद है तो। अरे बोलो हाँ यार, तू ऐसा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस कर, मजा आएगा पढ़ने में स्विचिंग सर्किट, क्योंकि अरे मैं बीएड वाला नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर हमेशा है ना लॉजिक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बहुत लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग, समझ पा रहे हो, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कोई भी इंजीनियर हो ना भाई, उसका दिमाग एक हटके होता है, जॉब भले ना हो पास होने की गारंटी नहीं है उसका बंदे का, लेकिन उसके पास नॉलेज बहुत होता है, ये चीज़ याद रखना, जब एक इंजीनियर मैथ्स पढ़ाता ना तो दिल से सीखना तुम लोग, क्योंकि उसको मालूम है कि इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ पर होएगा, समझ पा रहे हो, आगे इंजीनियरिंग BSc वगैरह करोगे ना बहुत जगह यूज़ होता है ये सब चीज़ें, समझ पा रहे हो, इसका नॉलेज यूज़ होएगा, ये यूज़ हो या ना हो इसका नॉलेज, इसका कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। एम आई क्लियर बच्चा? चलो इस वीडियो में हम लोग इतने ही करते, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी रहेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बाकी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5, तुम लोग ट्राई करो, नहीं आया तो मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं, इसके बाद वाला वीडियो लेके खत्म कर देंगे अपन, चैप्टर खत्म, स्वाहा। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, लॉगिंग आउट, प्रैक्टिस करते रहो।